माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का हार्दिक धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार के अथक प्रयासों से आज इस शुभ अवसर पर कई विकास परियोजनाओं का माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुभारंभ करने का अवसर प्राप्त हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से सविनय निवेदन है कि आप अपने शुभ हस्तों से रिमोट का बटन दबाकर 5 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं ONGC और NHAI की परियोजनाओं का जिससे मछुआरों का आर्थिक सबलीकरण होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 130CD के रायपुर विशाखापट्टनम आर्थिक गलियारे का ग्रीन फील्ड में 6 लेनीकरण जिससे सुगम यातायात सहित क्षेत्र की राष्ट्रीय राजमार्ग 516C के कॉन्वेंट जंक्शन से शीला नगर जंक्शन तक का 6 लेनीकरण एवं विशाखापट्टनम बंदरगाह कनेक्टिविटी के लिए अतिरिक्त 4 लेन समर्पित पोर्ट रोड के कार्य का शिलान्यास हो रहा है। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास कार्य का शिलान्यास हो रहा है जिससे यात्रियों को मिलेंगी विश्व स्तरीय सुविधाएं। गेल की 745 किलोमीटर श्रीकाकुलम अंगुल प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के निर्माण कार्य का शिलान्यास हो रहा है जिससे आंध्र प्रदेश एवं ओडिशा को स्वच्छ तथा पर्यावरण अनुकूल ईंधन की सुविधा प्राप्त होगी। राष्ट्रीय राजमार्ग 326A के नरसन्न पेटा से पाथापट्टनम खंड का 2 लेन पेव्ड शोल्डर सहित का पुनर्वास और उन्नयन। श्रीकाकुलम गजपति कॉरिडोर का लोकार्पण हो रहा है जिससे स्थानीय उत्पादों के और अधिक व्यापार एवं स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसरों का सृजन होगा। ONGC के KGDWN 98/2 डीप वाटर ब्लॉक की ओडलार व्यू स्थित यू फील्ड अभितट फैसिलिटीज का लोकार्पण हो रहा है जिससे देश की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा मिल रहा है। हार्दिक धन्यवाद। और अब प्रस्तुत है भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुभारंभ की गई परियोजनाओं पर एक लघु फिल्म। नए भारत की नई तस्वीर अब बस एक सपना नहीं, ये प्रगति का प्रत्यक्ष सरोवर बन यहाँ के करोड़ों देशवासियों की आकांक्षाओं को सींच रहा है। आज मैं गर्व के साथ कहता हूँ 125 करोड़ हिंदुस्तानी नई आशा उमंग और आकांक्षाओं से भरे हुए और इसके कारण मुझे लगता है कि मेरा देश नई ऊंचाइयों को पार करके रहेगा, सपनों को साकार करके रहेगा। ये भव्य सरोवर फैलते फैलते आज हमें ले आया है विशाखापट्टनम। आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम को मिलने जा रहा है 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकासमयी परियोजनाओं का उपहार। इन परियोजनाओं में शामिल है 3,128 करोड़ रुपए की वो परियोजनाएं जो आज राष्ट्र को समर्पित की जा रही हैं। देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए ONGC द्वारा कृष्णा गोदावरी बेसिन में आज तक की सबसे गहरी गैस की खोज की गई है जिसको रिकॉर्ड 11 महीनों में मोनेटाइज किया गया है। इस खोज में 3 गैस के जिनकी गैस उत्पादन क्षमता करीब 3 CMD है 2,917 करोड़ की लागत से मोनेटाइज किए गए इन कुओं से देश की ऊर्जा सुरक्षा को और गति मिल रही है। साथ ही भारत को गैस आधारित अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। रोड कनेक्टिविटी को बेहतर करते हुए NH 326A के आंध्र प्रदेश के 42 किलोमीटर के खंड को पेव्ड शोल्डर कॉन्फ़िगरेशन के साथ 2 लेन में विकसित किया गया है। पाथापट्टनम से शुरू होकर नरसन्ना पेटा के पास NH 16 जंक्शन पर राष्ट्रीय मार्ग का ये हिस्सा समाप्त होता है। ये राष्ट्रीय मार्ग ओडिशा के गजपति जिले को आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले से जोड़ता है। 211 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुए NH 326A के इस खंड के विकास से आंध्र प्रदेश और ओडिशा राज्यों के बीच बेहतर संपर्क सुनिश्चित होगा। आंध्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था को और तेज गति देने के लिए लगभग 7,600 करोड़ रुपए की अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास भी आज किया जा रहा है जिनमें शामिल हैं मल्टी मोडल कनेक्टिविटी को सशक्त करते हुए
रायपुर और विशाखापट्टनम के बीच 465 किलोमीटर का इकोनॉमिक कॉरिडोर। इस कॉरिडोर की कुल 465 किलोमीटर लंबाई में से 100 किलोमीटर लंबाई आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ती है। परियोजना की कुल लागत 15,400 करोड़ रुपए होगी, जिसमें से आंध्र प्रदेश के भाग की लागत 3,778 करोड़ रुपए होगी। इस परियोजना में 12 पुल, 27 अंडरपास, 26 बड़े पुल, 34 छोटे पुल, 1 आरओबी और 6 इंटरचेंज का निर्माण शामिल है। इससे छत्तीसगढ़ और ओडिशा के औद्योगिक नोड्स का विशाखापट्टनम बंदरगाह और चेन्नई कोलकाता राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 16 से तेज संपर्क सुनिश्चित होगा। विशाखापट्टनम में पोर्ट कनेक्टिविटी को और बेहतर करने और शहर में ट्रैफिक के कंजेशन को कम करने के लिए 566 करोड़ रुपए की लागत से कॉन्वेंट जंक्शन से शीला नगर जंक्शन तक मौजूदा 4 लेन वाले मार्ग को 6 लेन में चौड़ा किया जा रहा है और पोर्ट की ओर जाने वाले ट्रैफिक के लिए अतिरिक्त समर्पित 4 लेन कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश और ओडिशा में स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण ऊर्जा की आपूर्ति के उद्देश्य से 2,658.34 करोड़ रुपए की लागत से गेल इंडिया लिमिटेड बना रही है श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश से अंगुल ओडिशा तक 745 किलोमीटर लंबी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, 6.65 MMS CMD कैपेसिटी वाली पाइपलाइन आंध्र प्रदेश के विभिन्न जिलों में घरेलू उद्योगों, वाणिज्यिक इकाइयों और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का निर्माण करेगी, जो पर्यावरण के अनुकूल और किफायती है। विशाखापट्टनम आने वाले टूरिस्ट और औद्योगिक यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए यहां के रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण किया जा रहा है। लगभग 447 करोड़ रुपए की लागत से होने वाली इस मेजर अपग्रेडेशन से वाइजैग रेलवे स्टेशन में यात्री अनुकूल सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इस अपग्रेडेशन से ये रेलवे स्टेशन प्रतिदिन 2,00,000 यात्रियों का लोड ले पाएगा। इसके अतिरिक्त शिलान्यास किया जा रहा है विशाखापट्टनम फिशिंग हार्बर के मॉडर्नाइजेशन और अपग्रेडेशन का। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत लगभग 152 करोड़ की लागत से होने वाले इस अपग्रेडेशन से मछुआरों की कई चुनौतियों का निवारण होगा। इस परियोजना में बंदरगाह पर कई सुविधाओं के निर्माण की परिकल्पना की गई है, जैसे एक वातानुकूलित नीलामी हॉल, अत्याधुनिक मैकेनाइज्ड फिश हैंडलिंग और पैकेजिंग सुविधाएं, कैंटीन, वाहन पार्किंग क्षेत्र और मछली बेचने के लिए दुकानें। इस मॉडर्नाइजेशन और अपग्रेडेशन से इस फिशिंग हार्बर की हैंडलिंग क्षमता 150 टन से दुगनी होकर 300 टन प्रतिदिन हो जाएगी और जेटी में टर्न अराउंड समय 8 घंटे से घटकर 4 घंटे हो जाएगा। नए भारत की नई तस्वीर बदलने जा रही है अब आंध्र प्रदेश के आने वाले कल की छवि, साथ ही ला रही है यहाँ के लोगों के लिए रोजगार के अनेकों अवसर। इन परियोजनाओं से मिल रही है आंध्र प्रदेश, खासकर विशाखापट्टनम को तेज गति और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की ओर भी ये है एक महत्वपूर्ण कदम। धन्यवाद। इन ऐतिहासिक क्षणों को अपनी मौजूदगी से गौरव